मुरादाबाद के थाना कटगढ़ क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर प्रेम वंडरलैंड रेलवे ब्रिज के नीचे दो बच्चों के ट्रेन से कटने की सूचना पर हड़कंप मच गया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे। शव की शिनाख्त करने की कोशिश की गई तो पता चला शव पास की आजाद नगर कॉलोनी में दुकान करने वाले फिरोज के 15 साल के बेटे इसहाक और 13 साल की बेटी फातिमा की है। हादसे की सूचना फिरोज को भी दी गई। दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर मिलते ही फिरोज मौके पर पहुंचा और अपने दर्द को काबू में रखकर अपनी पत्नी शाजिया को ढाढ़स बनाया। फिरोज के मुताबिक उसके दोनों बच्चे मदरसे पढ़ने गए थे और वहां शाम 4 बजे छुट्टी होने के बाद घर वापस आ रहे थे। खेल खेल में बच्चे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, जहां किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना SSP प्रभाकर चौधरी को भी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और रेलवे पुलिस को बुलाकर बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का आदेश दिया। दोनों भाई बहन की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे रोज ही मदरसे में पढ़ने जाते हैं और शाम 4 बजे वापस आते थे, लेकिन आज और बच्चों के साथ वे खेलते खेलते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और वहां किसी तेज रफ्तार अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। कि कहां से आ रहे थे ये बच्चे? ये बच्चे पढ़ के आ रहे थे। कहां से? स्कूल से। कौन से वाले स्कूल में पढ़ते थे? पढ़ते सरकारी। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो क्या बजे छुट्टी हुई थी और दोनों अकेले थे? कैसे? वैसे तो मैं तो थाने यहाँ पे दुकान पर था, दुकान पर आया हूँ। बच्चे के दोनों आ गए थे। रोज आते थे इस रास्ते से? रोज डेली आना जाना था इनका। आज पता नहीं ये कैसे क्रॉसिंग पे आ गए। क्या नाम था बच्चों का? फातिमा, इसहाक। कितनी उम्र थी? कितनी उम्र थी दोनों की? इस लड़की की 13 साल की, उसकी 15 की। कौन से क्लास में पढ़ते थे? वैसे खूब क्लास वाला स्कूल नहीं है, सिपारा पढ़ के आते थे। सिपारा मदरसे से आते थे। एक्सीडेंट की ट्रेन से और पुलिस यहाँ पे आई तो पता चला कि एक की उम्र करीब 18 साल है, 8 साल है, और दूसरे बच्ची की उम्र करीब 3 से 5 साल के बीच में। फादर भी उनके यहाँ पे हैं और अभी इसमें बॉडी पंचायतनामा के लिए साथ में भेजी जा रही है। जो भी आगे विधि कार्रवाई होगी।